लक्ष्मी विलास बैंक, जिसकी एक न्यूज कल आती है और जो आपको बताती है कि आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर मॉरिटोरियम लगाया है, जिसके चलते आप यहां से 25,000 से रुपीज से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते अगले 30 दिन के लिए। तो दोस्तों ये न्यूज सुनने की शायद आपको आदत हो गई होगी, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर ये तीसरा ऐसा केस है पीएमसी और येस बैंक के बाद जहां पे मॉरिटोरियम लगाया गया है, जिसका इंपैक्ट सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही नहीं पड़ता, इसके अलावा जिन लोगों ने अपना पैसा वहां पे रखा हुआ था, जिनको हम डिपॉजिटर बोलते हैं, उनके ऊपर भी पड़ता है। और ऐसे इंसिडेंट फिर से वो क्वेश्चन रेज कर देते हैं कि क्या आपका पैसा एज अ डिपॉजिटर इस बैंक के अंदर सेफ है या नहीं सेफ है। या इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टर हैं, जो कि इस केस में रिटेल के पास सबसे बड़ा शेयर है, मतलब कि रिटेल ने लक्ष्मी विलास बैंक का सबसे बड़ा शेयर रखा हुआ था, बड़े इन्वेस्टर्स पहले से यहां पे से कहीं ना कहीं निकल चुके थे, तो यहां से फिर वही क्वेश्चन सामने आता है कि इम्पैक्ट एज अ इन्वेस्टर आपके ऊपर क्या पड़ता है, और एज अ डिपॉजिटर अगर आपने वहां पे अपना पैसा रखा हुआ था तो क्या आपका पैसा वहां पे सेफ है या सेफ नहीं है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन खड़े होते हैं कि क्या अगर आप इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बाकी बैंक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऐसी न्यूज सुन के आपको क्या इससे लर्निंग लेनी चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर, अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर आपको क्या चेंजेस करने चाहिए, और कैसे एक अच्छा इन्वेस्टर बनके एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न बनानी चाहिए। जिसके चलते आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन होंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए मैं जगदीप सिंह आज एक वीडियो लेके आया हूं, और मैं इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में, आपको बताएंगे कि ये न्यूज क्या है, मॉरिटोरियम कैसे है, इसका असर एज ए इक्विटी शेयर होल्डर आपके ऊपर क्या पड़ता है, डिपॉजिटर्स के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, और ये आपको कब से पता चलना स्टार्ट हो गया था कि इस बैंक के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस केस से एज ए इन्वेस्टर आपको क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज के बारे में तो शायद आपने अलग अलग जगह पे जाके पढ़ ही लिया होगा, लेकिन इससे लर्निंग क्या मिलती है, इनसे कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको सीख के आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं तो एक बुरी इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम में आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, या अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए सब क्वेश्चन के आंसर करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर लेके आते हैं, जो आपके एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से चलते हैं इस न्यूज के ऊपर कि न्यूज क्या है और ये कैसे लक्ष्मी विलास बैंक को इम्पैक्ट करती है। तो दोस्तों इस न्यूज के 3 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला डिपॉजिटर्स का, जिनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, जिन्होंने अपना हार्ड एंड मनी बैंक के अंदर डिपॉजिट करके रखा है, तो यहां पे उनको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस बैंक को मॉरिटोरियम के अंदर रखा गया है, जिसके चलते अगले 30 दिन के अंदर जो मैक्सिमम कैप है विड्रॉल का वो 25,000 रुपीज है। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि क्या 25,000 रुपए मैं एक दिन में निकलवा सकता हूं, नहीं दोस्तों, 25,000 रुपए टोटल अमाउंट है जो अगले 30 वर्किंग डेज के अंदर आप विड्रॉ कर सकते हैं, अगर यहां पे कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आता अगर आरबीआई की तरफ से। तो यहां पे मॉरिटोरियम लगाया गया है डिपॉजिटर्स के लिए, तो डिपॉजिटर्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगले 30 दिन तक 25,000 से ज्यादा वो विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे उनको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि पहले भी जिन बैंक्स के ऊपर मॉरिटोरियम लगाया गया था तो डिपॉजिटर्स का पैसा नॉर्मली सेफ रहता है, यहां पे कभी भी हमने ऐसा इशू नहीं देखा, क्योंकि आरबीआई जो कि अपना रेगुलेटरी बॉडी है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि यहां पे डिपॉजिटर्स के ऊपर कोई भी असर ना पड़े, जिसके चलते यहां पे मॉरिटोरियम लगाया जाता है ताकि बैंक के अंदर जो भी लिक्विडिटी कंसर्न है या कि जो भी बैंक के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है उनको दूर किया जा सके अगले 30 दिन के अंदर। तो यहां पे अगले 30 दिन तक आपको पैसा विड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसको 25,000 पे कैप किया गया है। तो दोस्तों यहां पे मैं डिपॉजिटर्स को बताना चाहूंगा कि आपका पैसा यहां पे सेफ है, क्योंकि आरबीआई काफी क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहा है, और यहां पे एक बाकी बैंक को भी लाया गया है जो कि यहां पे कैपिटल इन्फ्यूज करेगा, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करते हैं। तो अगर शॉर्ट में बताऊं तो मॉरिटोरियम है अगले 30 दिन का, जहां पे आप मैक्सिमम 25,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपका पैसा सेफ रहेगा, क्योंकि पुराने केसेस में भी हमने देखा है, यस बैंक के केस में भी, कि वहां पे मॉरिटोरियम लगाया गया था लेकिन जैसे ही सिचुएशन वहां पे बेटर हुई तो वहां से मॉरिटोरियम को हटा दिया गया और डिपॉजिटर्स का पैसा बिल्कुल सेफ था वहां पे, उस टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी। अब यहां पे बात करते हैं कि बैंक को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए आरबीआई क्या कर रही है। तो दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए डीबीएस बैंक को पिक्चर में लाया गया है।
डीबीएस बैंक के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि डीबीएस बैंक सिंगापुर का एक बहुत बड़ा बैंक है जिसकी इंडिया में एक होली ओन सब्सिडरी है, मतलब कि एक सब्सिडरी बैंक है इंडिया में जिसको डीबीएस बैंक ओन करता है, जिसके मेन ऑपरेशन सिंगापुर के अंदर है। तो अगर मैं डीबीआईएस बैंक की बात करूं तो वो यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे, मतलब कि इनडायरेक्टली इस पूरे बैंक को टेक ओवर कर लेंगे आने वाले टाइम में। और यहाँ पे एक ड्राफ्ट पॉलिसी लेके आया है आरबीआई जिसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए, जिसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे डीबीआईएल 2500 करोड़ का सपोर्ट लेके आएगा जो इस मर्ज्ड एंटिटी को सपोर्ट करेगा क्रेडिट ग्रोथ करने में। तो यहाँ पे एक बैंक है डीबीआईएल जो इसको एक तरीके से मर्ज कर लेगा, और उसको फायदा ये होगा कि उनका अभी फुटप्रिंट काफी छोटा है इंडिया के अंदर, जिनको एक्सपेंशन में हेल्प करेगा। और लक्ष्मी विलास बैंक को हेल्प ये होगा कि वहां पे एक एडिशनल कैपिटल आएगा जिसके बाद उसके जो सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन खड़ा नहीं होगा, मतलब कि कहीं ना कहीं जो डिपोजिटर्स का पैसा है वो यहाँ पे सेफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मर्ज होने का फैसला लिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या ये न्यूज अभी की है या ये न्यूज पुरानी है, मतलब कि क्या एक दिन में ऐसा सिनेरियो चेंज हो गया कि लक्ष्मी विलास बैंक के लिए एक एडिशनल बैंक को लाना पड़ा ताकि उसको सपोर्ट कर सके, या यहाँ पे पहले भी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स थे अगर आप उनके ऊपर ध्यान देते तो आप यहाँ पे बच सकते थे। तो बात करता हूं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स की जो सिर्फ लक्ष्मी विलास बैंक के केस में इंपॉर्टेंट नहीं थे बल्कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके बारे में मैं नॉर्मली आपको हर वीडियो के अंदर भी बताता हूं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या इन्वेस्टर्स को पहले से आइडिया नहीं लग सकता था कि लक्ष्मी विलास बैंक के अंदर कोई ना कोई इश्यू है। तो चलिए मैं बात करता हूं कुछ ऐसे पैरामीटर्स के बारे में जो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिसके बारे में शायद मैं आपको हर बैंक की वीडियो में बताता हूं कि आपको जब भी किसी भी बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ये पैरामीटर देखने चाहिए। तो आज आपको समझ में आएगा कि वो पैरामीटर इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सबसे पहली चीज की कि अगर आप लक्ष्मी विलास बैंक के नेट प्रॉफिट को देखेंगे, सिर्फ प्रॉफिट को ही देख लो जिसके बारे में बहुत लोग देखते हैं, वरना मैं सजेस्ट नहीं करता कि आपको सिर्फ प्रॉफिट को देखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप प्रॉफिट को देखते हैं तो दिसंबर 2017 से लेके अभी तक के हर क्वार्टर में लक्ष्मी विलास बैंक ने लॉस ही बुक किया है। लेकिन यहां पे अगर मैं मार्च 2020 के क्वार्टर को छोड़ देता हूं जहां पे लक्ष्मी विलास बैंक ने 90 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था, वहां पे भी बैंक का जो मेजर चंक ऑफ इनकम था वो अदर इनकम से निकल के आया था, जो कि मेजर कोर बिजनेस से नहीं निकल के आता है। तो सबसे पहले तो अगर आप ये भी देख लेते तो आपको पता चलता कि लगातार बैंक लॉस में चल रहा है। उसके बाद मैं बात करता हूं एनपीएस की, जो आपको बताता है कि किसी भी बैंक के लिए उसके एसेट की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि एनपीए जितना ज्यादा होता है उतना डेंजरस होता है। अगर हम किसी अच्छे बैंक की बात करते हैं, मान लो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, इनका ग्रोस एनपीए 2 या 3% से ज्यादा नहीं होता, 2 या 3% भी मैं आपको ज्यादा बोल रहा हूं। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं लक्ष्मी विलास बैंक की तो इसका जो ग्रोस एनपीए था वो 24% के आसपास का था, मतलब कि 1/4 ऑफ द टोटल एसेट्स वर अमंग एनपीएस। तो इससे आपको समझ में आएगा कि बैंक के अंदर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, और ये प्रॉब्लम कुछ एक दिन पहले अक्कर नहीं हुई, ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी थी। इन सब प्रॉब्लम के बावजूद भी अगर आप आज इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न निकाल के देखते हो तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टर आपको इसके रिटेल में मिलेंगे। तो रिटेल के इन्वेस्टर्स के साथ जब आपको पता है कि जो इसकी फंडामेंटली प्रॉब्लम है यहां पे इस बैंक के अंदर, और जो फंडामेंटल पैरामीटर्स आपको देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो सब फंडामेंटल पैरामीटर्स के अंदर यहां पे प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी रिटेल ऐसे एसेट्स में जाके इन्वेस्टमेंट करता है ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटर्न बनाना आपका ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट होता है अपने रिस्क को मेंटेन करके रखना। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो आपने बहुत ही मेहनत करके कमाया होता है उसके ऊपर आप रिटर्न बना सकें, लेकिन आप ज्यादा रिटर्न बनाने के चक्कर में आप उन पैसों को कई बार ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर लेते हैं उनको डबल करने के लिए, ट्रिपल करने के लिए, कि आपका सारा पैसा जाने के चांसेस बन जाते हैं, जो एक केस आपको इस कंपनी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम कैपिटल एडिकेसी रेशियो की बात करते हैं बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो कि आपका 10-12-13% से ऊपर रहना चाहिए, जो कि अच्छे बैंक्स का उससे भी ज्यादा होता है, लक्ष्मी विलास बैंक के केस में वो रेशो -2.4% के आसपास का था, तो वो नेगेटिव में था, जो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता था आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इन सब चीजों से समझ में आता है कि यहाँ पे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थे, और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स काफी टाइम से चल रहे थे,
जिनका ध्यान आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर इन सब के ऊपर दे सकते थे और एक ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते थे जहां पे आपका पूरा पैसा डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी के ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की बात करता हूं तो यहां पे बोला जा रहा है, मतलब कि ड्राफ्ट में लिखा हुआ है जो कि प्रपोज्ड है, मैं नहीं बोलूंगा कि वो 100% सही है, कि अगर मर्जर होता है और प्रपोज्ड ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग पूरे का पूरा पेड अप इक्विटी कैपिटल को राइट ऑफ किया जा सकता है। अगर वैसा होता है तो शेयर इसका जीरो भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर से आपको यहां पे वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक प्रपोज्ड प्लान है। इसका क्या निकल के आता है, सही में इसका शेयर प्राइस जीरो होगा कि नहीं होगा, वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, क्योंकि ये ड्राफ्ट प्लान जो मैंने आपको बताया ये प्रपोज्ड है। अगर ये सही में इंप्लीमेंट होता है तो ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर यहां पे कोई चेंज होता है तो इसके अलावा कुछ और भी निकल के आ सकता है। तो यहां पे मैं सिर्फ आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि आप यहां पे स्पेकुलेशन ना करें, यहां से बस आप एक यूज केस की तरह यहां से सीखें कि जब भी आपको किसी भी कंपनी के अंदर जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया था वहां पे अगर आपको कोई भी रेड फ्लैग दिखता है तो वहां से आपको टाइम से एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। और बहुत से लोग जो गलती करते हैं, ज्यादा रिटर्न बनाने के चक्कर में ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे रिस्क कई गुना बढ़ जाता है, तो वैसी गलती करने से एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो से मैं आपको सिर्फ यही मैसेज देना चाहता था, सबसे पहला डिपॉजिटर्स को कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा सेफ है, और दूसरा शेयर होल्डर्स को, मतलब कि इन्वेस्टर्स को, जिसके बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में बताया कि जब भी आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को देखिए, बैंक के फंडामेंटल बिजनेस को समझिए कि बैंक के पास डिपॉजिट आता है जो बैंक आगे लेंड करता है जिसके ऊपर बैंक को एक अर्निंग मिलता है। लेकिन अगर किसी भी बैंक के अंदर डिपॉजिट्स लगातार नीचे जा रहा है, बैंक का ग्रॉस एनपीए लगातार ऊपर जा रहा है, इसके अलावा अगर बैंक का जो सोल्वेंसी रेशियोज है, जिसको आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज भी बोलते हैं, वो लगातार नीचे को आ रहा है, बैंक का कासा रेशियो अच्छा नहीं है, तो ये सब रेड फ्लैग्स को समझते हुए आपको ऐसी कंपनी में एंटर होने से बचना चाहिए। सेकेंडली मैं आपको यही समझाना चाहता था कि बहुत से इन्वेस्टर जो स्टार्टिंग में गलती करते हैं, वो गलती शायद मैंने भी की होगी, कि हम ज्यादा रिटर्न बनाने के लिए ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां पे हमारा रिटर्न बनाने के चांसेस तो कम होते हैं लेकिन हमारा जो रिस्क होता है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। तो ऐसी गलतियां करने से आपको बचना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में आप अच्छी रिटर्न तो बना सकें, जो कि जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को बचा के रख सकें, क्योंकि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से अपने पैसे को बहुत बड़े रिस्क में डाल देते हैं जहां पे आपके पैसे डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं और रिटर्न बनाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप इन सब गलतियां करने से बचें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लक्ष्मी विलास बैंक के केस से आपको यही सीखना चाहिए कि आपको एक अच्छा इन्वेस्टर कैसे बनना है, और अभी इस टाइम पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको स्पेकुलेशन करने से बचना चाहिए जब तक यहां पे क्लैरिटी नहीं मिलती। चलिए दोस्तों अब जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं लास्ट वीडियो के। तो सबसे पहला हमसे क्वेश्चन पूछा है विश्वजीत ने, जो हमसे पूछना चाहते हैं कि हम डिविडेंड कैसे ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। तो दोस्तों कंपनी का डिविडेंड देने का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने मालिकों को अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर देती है। तो सबसे पहले डिविडेंड लेने के लिए आपको कंपनी का मालिक बनना पड़ेगा। कंपनी का मालिक आप कैसे बनेंगे, कंपनी का शेयर खरीद के। तो सबसे पहला स्टेप है आपको उस कंपनी का शेयर खरीदना है जिसका आप डिविडेंड चाहते हैं। अब शेयर कब खरीदना है, तो कंपनी का एक एक्स डिविडेंड डेट होती है जिससे पहले आपको कंपनी का शेयर खरीदना है, ताकि जब रिकॉर्ड डेट होगी उस दिन ये स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट के अंदर होना चाहिए। तो कंपनी क्या करती है कि एक डेट पे जाके चेक करती है कि इस कंपनी का स्टॉक किन किन ओनर्स के पास है, और वो लिस्ट निकाल के उनको जितने शेयर्स है उसके हिसाब से डिविडेंड उनके बैंक अकाउंट में डाल देती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए ताकि आप कंपनी का डिविडेंड ले सकें। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है चरणप्रीत सिंह ने, वो हमसे पूछ रहे हैं कि एक स्टॉक को एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर के पास शिफ्ट करने के काफी तरीके होते हैं। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने ब्रोकर के पास जाके समझना पड़ेगा कि उस ब्रोकर की पॉलिसी क्या है, क्योंकि ये डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। हर ब्रोकर का एक अलग प्रोसेस होता है शेयर ट्रांसफर करने का, कुछ जगह पे ये ऑनलाइन होता है और कुछ जगह पे ये ऑफलाइन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने ब्रोकर के पास जाके समझेंगे कि आपका प्रोसेस क्या है, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो आप ग्रो सपोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे अपने स्टॉक्स को बाकी ब्रोकर से यहां पे शिफ्ट करने में। वो आपको पूरी प्रोसेस को समझा देंगे और आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो आपको भेज दिया जाएगा ताकि आप स्मूथली ट्रांजिशन कर सकें।
तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में आपको कौन से बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर लेके आते हैं, जो आपके एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।